असलम एवरी वन वेलकम टू माई चैनल कैसे हैं आप सब लोग और होपफुली सबका रमजान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और अल्लाह पाक हमें इस महीने की बरकतों से फेज याब करे और यह है कि एक दिन बस बना के अफ्तारी फारग होते हैं तो नेक्स्ट डे बस हम सोचने लग जाते हैं कि अब क्या बनाना है क्या करना है और आज बस मैंने सोचा कि सोचा तो कुछ और था खैर बस फिर मैंने कुछ और बना दिया लेकिन आज की रेसिपी बहुत मज़े की है डू ट्राई और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इसके लिए मैंने ऑलमोस्ट ये मैंने बनाए थे क्रीप्स बहुत मज़े के बहुत चीज़ी और और बहुत फ्लेवरफुल तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपके कैसे बने तो इसके लिए मैंने ऑलमोस्ट डेढ़ कप मैदा लिया था जिसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला था थोड़ी सी चीनी डाली थी टू टेस्ट और एक जो है ना बड़ा चम्मच भर के मैंने डाला था अच्छा ये मैंने बिल्कुल छोटी वाली तीन स्पून भर के डाली हैं आप बड़ी एक बड़ी चम्मच डाल सकते हैं और ऑलमोस्ट वन हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल डाला था एक अंडा डाला था और इसके अंदर दूध डाल के तो इसको जो है ना मैंने इसका बैटर जो है वो रेडी कर लिया था सॉरी इसके अंदर एक चम्मच जो है ना डेढ़ चम्मच के करीब मैंने दही भी डाला था अच्छा मैं दही की भी ज़रूर आपको जो है ना मैं घर पर दही जमाती हूँ और बड़ा मज़े का दही जमता है आपको मैं ज़रूर इसकी जो है ना रेसिपी दूँगी बहुत मज़े का मैं जो है ना मटी की जो है ना बर्तन के अंदर आ, दही जमाती हूँ और बहुत मज़े का दही जमता है अच्छा दूध मैंने इसके अंदर डाल लिया था एक कप पूरा और उसके बाद भी आधा कप मैंने और भी इसके अंदर दूध का डाला था तो उसके बाद इसका जो है ना बैटर जो है वो आप देख लें रनी सा बना था और सॉरी मैंने देखा आ, अपना वॉइस ओवर करते हुए कि मैंने ऑलमोस्ट तीन चम्मच भर के दही डाली थी मैंने पहले वन एंड हाफ़ टेबल स्पून बताया तो मैंने ऑलमोस्ट तीन चम्मच के करीब इसमें दही डाली थी दही से बड़ा ये सॉफ़्ट और जो है ना फ्लफी सा बैटर बनता है मज़े का लगता है अच्छा इसका अंदर की फिलिंग बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया ऑयल के अंदर मैंने वेजिटेबल्स जो है ना वो काट के रखी हुई थी बड़ी आसानी हो जाती है मैंने जब रमज़ान प्रेप्स की थी तो साथ ही वेजिटेबल्स भी कुछ जो है ना चॉप करके रख ली थी तो रमज़ान में अगर इस तरह के काम हुए हुए हों ना तो बहुत आसानी होती है बस आप फ़ौरन से निकालें और जो चीज़ भी आपको बनानी है आप बना लें तो मुझे रमज़ान प्रेप्स का बहुत फ़ायदा हुआ अच्छा मैंने चिकन को बॉयल करके श्रेड करके रख लिया था तो मैंने इसके अंदर चिकन बॉयल करके श्रेड करके वो डाला था और स्पाइसेस में एक चम्मच मैंने इसके अंदर डाला था आ, गार्लिक पाउडर एक चम्मच जिंजर पाउडर आ, तो ये अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक चॉप करके मत डालिएगा क्योंकि चॉप कर आ, के जो डालते हैं उसका फ्लेवर उस तरह से नहीं आता जिस तरह पाउडर फॉर्म वाले का आता है तो आप इसको अगर आप पास नहीं है तो आप फुली स्किप कर सकते हैं तो थोड़े से स्पाइसेस मैंने डाले जिसमें नमक मिर्चें सोया सॉस चिली सॉस और ये एक बड़ा टेबल स्पून जो है ना भर के मैंने दूसरी चिली सॉस का डाला था दो से एक चम्मच मैंने मायो गार्लिक सॉस डाली थी बड़ी दो चम्मच भर के और स्पाइसेज आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंगली भी मैं आपको पहले भी कहती हूँ एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि हर एक डिफरेंट आ, जो है ना स्पाइस लेवल खाता है और जो है ना उसके लिए डिफरेंट होता है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली स्पाइसेस जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन इन्हीं स्पाइसेस को यूज़ करके बहुत फ्लेवरफुल और बहुत मज़े के ये बनते हैं और शायद हम किसी की जो है ना वीडियो देखने से हमें नेक्स्ट अपने डे का जो है ना एक आइडिया मिल जाता है कि चलो नेक्स्ट डे हम ये बना सकते हैं ख़ैर हर एक के साथ एक डिफरेंट होता है लेकिन मुझे अक्सर मैं यूट्यूबर्स की वीडियोज़ देखूँ तो मुझे फिर अंदाज़ा हो जाता है कि चलो मैं कल ये बना लूँगी या डे कल का अगर मैंने प्लान किया हो तो उससे अगले दिन मैं वो बना लूँगी तो बड़ा जो है ना कन्वीनियंट हो जाता है अच्छा इसी बैटर को आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है और ऑयल डाल के तो जो है ना बेटल को इसी तरह आपने थोड़ी सी राउंड शेप दे लेनी है तो इसका थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि लिक्विड फॉर्म में बेटर होता है तो आपने जितना राउंड कर सकते हैं आप उतना इसको राउंड कर लें और बस इसको आपने हल्की आंच पे पका लेना है और बड़े मज़े के ये बन के रेडी होते हैं सिर्फ़ एक इनका टिप जो है वो ये है कि आपने प्रॉपर एक पूरी साइड को पकाना होता है और उसके बाद आपने इसको फ़्लिप करना होता है देखिए मेरी पूरी जब मुझे लगा कि एक साइड पूरी पक चुकी है तो मैंने इसको दोबारा तब फ्लिप कि आप कुछ लोग इसको बिल्कुल वाइट वाइट भी रख लेते हैं तो वो भी सही होता है बाद में आप उसको ग्रिल कर सकते हैं लेकिन आ, मुझे आ, थोड़ा सा कलर इसका गोल्डन गोल्डन अच्छा लगता है तो मैंने इसको गोल्डन कर लिया था ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है इसको अगर आप वाइट भी रखना चाहें तो फुली कुक हो जाता है आप इसको एज इट इज़ भी निकाल सकते हैं लेकिन मैंने इसका कलर हल्का सा चेंज किया था मुझे अच्छा लगता है ऐसे तो मैंने ऐसे कर लिया था तो ये देखें जी मैंने इसका जो है ना दोनों साइडों से कलर चेंज कर लिया था अगर आपने कलर चेंज ना करना हो तो आप कलर ना चेंज करें लेकिन ग्रिल थोड़ा सा मजीद कर लें या फिर आप जब इसको पकाते हैं तो दो इसका कलर थोड़ा बहुत चेंज होता ही है तो बस मैंने को इसी तरह बना के जो है ना वो बस साइड पे करती गई थी थोड़ा डिटेल में इसलिए दिखाया ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए तो बस कोशिश किया करें रमज़ान में दरू शरीफ पढ़ने की अपनी इबादत की रूटीन बनाने की क्योंकि अल्लाह पाक ने ये महीना जो है ना बहुत बरकतों वाला मुसलमानों को दिया है और इसमें जो है नेकियों के भी जो है ना हम जो भी नेक माल करते हैं तो उनके जो है ना अजर पता नहीं कितना गुना बढ़ा दिया जाता है तो अल्लाह पाक हमें बस इस महीने की बरकतें और साथ दे नसीब फरमाए देखिए मैंने इसके अंदर चीज़ रख के इसको बस रैप कर लिया था और साथ ही मैंने जो है ना आलू गोश्त बनाना था तो उसके लिए गोश्त को मैंने पहले कुकर में थोड़ा सा किया फिर मैंने प्याज़ डाल के थोड़ा सा जो है ना गोश्त बॉयल लिया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था मुझे बिल्कुल जो है ना जल्दी जल्दी आज अफ़तारी बनानी थी क्योंकि मैं आज अपने बेटे को सुलाने लग गई दोपहर में तो मैं जरा लेट हो गई तो मैंने कुकर में इसको गोश्त को गला लिया था फिर मैंने थोड़े से प्याज और टमाटर डाल के तो, तो थोड़ा सा और इसको बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के बाद जो है ना मैंने इसमें स्पाइसेस डाले जिसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला हल्दी डाली नम काली सॉरी काली मिर्च नहीं जो है ना रेड चिली डाली तो नमक डाला और इसको थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने पानी लगा दिया और साथ ही मैंने आज बनाए थे भुने हुए जो है ना टंडे और ये भी बड़े ही मज़े के लगते हैं मैं न जो शहरी के सालन होते हैं वो भी मैं अवतारी के साथ बना लेती हूँ क्योंकि हम अफतारी में भी खाना खाते हैं थोड़ा बहुत और हेल्दी होता है कि बजाय आप ढेर सारी फ़्राइड चीज़ें खाने के आप साथ थोड़ा सा खाना खा लें मेरे पास स्टॉक पड़ा था जिसमें मैंने चिकन को बॉईल किया था तो मैंने इसके अंदर जब पानी डालना था तो मैंने इसमें थोड़ा सा स्टॉक डाल दिया अच्छा पकौड़ों की रेसिपी नेक्स्ट में शेयर करूँ मेरे पकौड़े बहुत मज़े के बनते हैं मैं इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना अनारदाना भी डालती हूँ और सूखा धनिया भी डालती हूँ कुछ स्पाइस और भी डालती हूँ बहुत मज़े के पकौड़े बन के रेडी होते हैं और जिस तरह बहुत बेसन बेसन वाले पकौड़े बनते हैं मेरे बिल्कुल भी ऐसे बेसन बेसन वाले नहीं बनते और खिले खिले हुए पकौड़े बनते हैं बहुत मज़े के बन के रेडी होते हैं इन शन डिटेल मैं आपको किसी दिन पकौड़ों की रेसिपी भी दूंगी क्योंकि रमज़ान में ज़रा काम बढ़ जाता है तो जो है ना और रेसिपीज़ भी ज़रा ज़्यादा होती हैं तो इन डिटेल हर रेसिपी देना मुश्किल हो जाता है तो आ, मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि एक दो जो रेसिपीज़ होती हैं वो मैं इन डिटेल ज़रूर शेयर करूँ अच्छा ये जो मैंने क्रिप्स बनाए थे मैंने इनको जो है ना ग्रिल पैन के ऊपर हल्का हल्का ग्रिल कर लिया था जो मैंने इनके अंदर चीज़ डाली थी वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी थी और बहुत ही अमी बन के रेडी हुए थे ये बल्कि अभी वॉइस ओवर करते हुए दोबारा मेरा इनका टेस्ट जो था ना मेरे मुंह में आ गया तो मैंने जो रमज़ान प्रेप्स में रोल्स और समोसे बना के रखे थे वो भी मैंने जो है ना जिप लॉक बैग में से निकाल के तो जो है ना वो भी फ्राई कर लिए तो बड़ी आसानी हो जाती है फ्रूट चाट भी मैंने बनाई थी और मिट्ट मार भी बनाया था तो इन शह मिनट मार बेटा की भी मैं आगे आपको इन डिटेल रेसिपी दूंगी तो ये हमारा अफ्तार था आज के लिए अल्लाह हाफ इन कल आपको एक नई रेसिपी के साथ और एक नई बात के साथ मिलते हैं आज के लिए अल्लाह